शुक्रगुजार हैं खुदावन कि आज की शाम को तूने हमें मौका दिया कि हम सब लोग प्रभु जी उस बात को जो आपकी नज़र में काम में लग पड़ा है। वी आर नॉट कंज्यूम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वी आर अलाइव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वी थैंक यू लॉर्ड जी। कितने लोग आज की शाम को नहीं देख पाए प्रभु, अगर हम जीवित हैं और जीवित ही तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। We come with a humble spirit, Lord. And we're going to bury the ashes of Brother Christopher, Lord. इसके साथ साथ प्रभु जी हमें अपना भी वजूद मालूम है कि हम किस तरीके से बनाए गए, पर हमें भी आखिर यहीं भी आना है। इसलिए खुदन हमारी मदद करें कि हर दिन आपके खौफ में आपकी मर्जी में इस तरीके से बिताया जाए। मदद करें इस गमजदा खानदान के साथ हम एक मन होकर प्रभु जी जब इस बरियल में शरीक होते खुदावन आपका रूह को दूस पूरा कब्जा लें, ताकि सारी बातों से आपको माया मिले। इस घर के ही सदस्य को खुदावन अपनी उस रूहानी शांति से फिल द विद सच स्पिरिचुअल पीस लॉर्ड, विद डिवाइन पीस व्हिच यू हैव प्रॉमिस्ड लॉर्ड, अलाउ मी विद द पीस व्हिच इज सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। आपने कहा वो मैं तुम्हें नाम दूंगा जो तुम्हारी समझ से परे है, जो दुनिया नहीं दे सकती। हमारे वर्ड्स प्रभु जी थोड़े हो सकते हैं, मगर जो इत्मीनान जो पीस आप देते हैं खुदा तो सबसे कामिल है। हम आपका शुक्र करते हैं, इस तमाम बातों को पूरे करने में हमारी मदद करें और आप जरूर को दूर हमारी अगुवाई करें। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से हर बातों में खुदा की शुक्रगुजारी करें। मगर कई बार हम ऐसे माहौल पे ऐसे मौका पर आते हैं जहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि जिन बातों में शुक्रगुजारी yes. शुक्रगुजारी की बात है कि अगर खुदन का वचन जो भी आठ 28 मिनट का जो परमेश्वर से प्रेम रख सकें उसकी इच्छा के अनुसार उसकी मर्जी के मुताबिक बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को बुलाई। चाहे हमें कुछ ना कुछ भी भलाई नजर नहीं आ रही किसी सी एज के एज में ऐसा क्यों हो गया, अभी और हम बड़ी उम्र वाले लोग जीवित हैं ऐसा क्यों जाना हुआ, अगर चाहे दोस्त की बातें हमें यहाँ समझ में आएँ। और खुदा का कलाम इस बात को कहता है कि इससे पहले कि मैं आपके एड्रेस्ट हों वहाँ के पेट में आने से पहले हमारे दिनों की गिनती की गई है। मालिका एक सिवाना परमेश्वर ने बांधा है उसको कोई लांग नहीं सकता। मैं 55 साल का उम्र का है, दो बच्चे हैं मेरे घर पे, कुछ पता नहीं आजकल सुबह निकल के शाम को घर पहुँचने घर पर, मगर मैं आप जीवित हैं। मालिका जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूँ। से जब इस मामले का जब मैं कबर में चला जाऊँगा तब क्या बेटी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर पाएगी। आज मैं आप सच्चाई से रूबरू हूँ क्योंकि मेरी और आपकी सांसें चल रही हैं और खुदा चाहता है कि मैं आप हर पुस्तकों को जब उनकी रात को सब कुछ खुला कर पहली बार मैं फर्स्ट टाइम मैंने बहुत बरियल पढ़े, मगर क्रिमिनेशन के बाद रात को राख कह के समर्पित करना, उस समय एक बॉडीली फॉर्म में हम लाश को रखते थे, हम ये कहते थे मिट्टी को मिट्टी रात को राख रखते थे, मगर पहली बार मेरी लाइफ में हुआ है कि मैं बरियल में रात को राख के रूप में कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनली वो बॉडी भी जो फ्लैशली बॉडी है तीन चार महीने के बाद वो बिल्कुल मिट्टी ही राख हो जाती है सर। मगर सर हम हो सकता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ये तरीका क्या ठीक है, क्या किस तरह से क्रिमिनेशन करना ठीक है क्या। अगर परमेश्वर के वचन में इस चीज़ को सोच रहा था क्योंकि दिस इज़ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी कि क्रिमिनेशन की इस ऐश को बरी करने का, तो रेवलेशन का प्रकाशित वाक्य का वो वचन खुदा ने मेरे आत्मा में दिया जिसमें लिखा कि ज़मीन ने समुद्र ने हर जगह से उन्होंने अपने मुर्दे दे दिए, मतलब कई अलग अलग तरीके से लोगों की डेथ्स होती हैं। कई मसीह लोग ऐसे विश्वासी थे जिनको जानवरों ने टुकड़े टुकड़े करके खा लिया, उनके लाश का एक टुकड़े भी नहीं मिले। अभी 21 कॉप्टिक क्रिश्चियंस को ICS वालों ने बीहेडेड करके समुद्र में डाल दिया और मछलियों ने सब उन्हें खा लिया, मगर खुदा का कलाम कहते हैं जब खुदा का तख्त लगेगा फिर सब लोग जी उठेंगे। हालेलुया। तो मुझे और आपके एक होप है, मुझे और आपके एक बड़ी आशा है कि हमारे अजीज जो खुदा में सोए हैं एक गारंटी है। रेवलेशन उसका 14:13 में लिखा है, मैंने स्वर्ग से एक बड़े ऊँचे शब्द को सुना कि धन्य वो मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं क्योंकि वो अपने शारीरिक कामों से विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ होगा। वो सब लोग कहते हैं सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं अभिषेक वचन कह रहा है उनके काम उनके साथ खोलेंगे। दूसरा ग्रंथ 5:10 में लिखा है कि ये आवश्यक है हम सबों का हाल
मसीह के न्याय आसन के सामने खोला जाए और हर एक आदमी अपने जिस्म में किए गए कामों का बदला पाए, या तो आनंद की मौत या आनंद का ऐसा जीवन जहाँ पर मैं आप पदक के साथ आऊँ। कभी मुझे आपकी चीज़ों को समझ नहीं आता, क्योंकि जीवन की रोटी कपड़े मकान की आबादाबी में अपने व्यस्त हैं, क्या सोच नहीं पाते हमारी जीवन का मकसद है। व्हाट द रियल पर्पस ऑफ माई लिविंग ऑन दिस अर्थ, हम चीज़ों में इतने मशगूल रहते हैं और कई बार किसी बीमारी के द्वारा या कुछ ऐसी अचानक चीज़ों के द्वारा कई बार चलन हमारे दिलों पर खटखटाता है, हमारी ज़िंदगी के मकसद को समझने के लिए हमारी मदद करता है। कितने लोग सर हमारे से भी आधी उम्र के छोटे छोटे बच्चे आज जीवित नहीं हैं। मेरा और आपको वजूद, मेरी और आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि मेरा आप थक के जब रात को बिस्तर पर 1 बजे सोएं, 2 बजे सोएं, अगर खुदा का फजल ना हो तो मेरा आप बिस्तर से चप्पल पहन के वॉशरूम तक नहीं जा सकते, कहीं पहुँचने की तो बात ही होती। मगर कई बार हम इस चीज़ों को भूल जाते हैं। भजन संहिता 90:12 में मूसा की दुआ में जो नॉर्मली लोग ग्रेवियर्ड पर पढ़ते हैं उसमें लिखा है, खुदा ने हमें अपने दिन गिनने के समझ, साल नहीं, महीने नहीं, दिन गिनने के समझ, गिव अस द विजडम ऑफ हार्ट, हमें एक ऐसा दिल दे जो आपके खौफ में आपकी मर्जी में चले। हमारे बहुत इसलिए परमेश्वर लिखा लिखा है, धन्य है वो मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं। प्रभु में मरने का मतलब आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ क्रिश्चियन फैमिली, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा स्वर्ग जाने का टिकट पक्का हो गया। अगर मैं परमेश्वर की मर्जी में अपनी आंखें नहीं बंद कर रहा हूँ तो मेरी आंखें ऐसी जगह खुलेगी जहाँ रोना और दांतों का बीच है, क्योंकि मनुष्य उसे कहता है जो मुझे हे प्रभु प्रभु कहता है वो सब लोग सबके राज्य में नहीं जाते। मतलब हे प्रभु प्रभु कहने के बावजूद भी, एक बसी परिवार में पैदा होने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, चर्च की सर्विसेज अटेंड करने के बावजूद भी, अगर मेरी लाइफ सचमुच खुदा के वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो खुदा किसी खुदा के यहाँ कोई बख्शवात नहीं है, वहाँ कोई चाचा भतीजा बात नहीं है, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ कोई स्टाफ नहीं चलता, वहाँ तो यीशु मसीह ने खुद एक बड़ी दर्द भरी बात अपने चेलों के बीच में अपने माँ अपने अपनी बहनों के लिए कह दी, उसने कहा कौन मेरी माँ बहन है, मेरे माँ मेरे बहन भाई वो है जो भविष्य वचन को सुनते हैं उस पर चलते हैं। मेरा नाम हैरिसन है, मेरे भाई का नाम सैमसन है, छोटे भाई का नाम रॉबिनसन है, मेरा नाम सैमसन हो, हैरिसन हो, रॉबिनसन हो, पीटर हो, माइकल हो, ये सब जाने का टोकन है। टोकन यह है कि क्या मैं सचमुच यीशु मसीह के साथ नए जन्म के उस एक्सपीरियंस में आया, नहीं तो मेरे और आपके खानदानी मसीह होने का तमगा मुझे स्वर्ग नहीं ले जाएगा। इसलिए मुझे और आपको कई बार ऐसे मौक़ों पर जिन्हें मुझे आपको ये मौके देता है कि कुछ पता नहीं है, सेकेंड वो लोग जा रहे हैं, अरे कल तो मिलते गया था, अरे इसमें बेकरी किस लोग यहीं से मेरे साथ एग्स ले रहा था, ब्रेड ले रहा था, अभी तुम ओ अब भी ऐसा हो जाएगा, अरे मेरे साथ ही निकला था पड़ोसों से, मेरे साथ मेट्रो लेता था, अरे यहीं से अभी तक मार्केट तक गया था, अभी जवान बच्चा ही था, अभी पापा ने बाइक दिलाई थी यहीं तक गया था। दिस इज ऑल इसलिए का अपना अपना परदेसी होने का समय बहन हो देता, हमारा यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, दिस नॉट ए परमानेंट प्लेस फॉर अस, दिस इज नॉट ए परमानेंट प्लेस। जिस दिन मुझे आपको समझ आ जाएगा तो सच में खुदा का खौफ मेरे रात के जीवन में आ जाएगा, और सही मायने में तभी मेरे रात के, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खानदानी मसीह में चार्ल्स भैया जानते हैं कि घर में दुआ बंदगी का इतना माहौल था कि मैं नहीं समझता हूँ कि एक एक दिन में 6-7 पास्टर घर में आते थे। मेरी माँ बहुत दुआ बंदगी वाली अभी भी है, खुदा का उसको आशीष दे, मगर हमारी जिंदगी खुदा के ऐलान करना चाहता है, मगर बाहर लोगों की नज़र में बहुत अच्छे था, मास्टर स्टैम भी बहुत अच्छे, सिस्टर एग्नेस आपके बच्चे बहुत अच्छे, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था तो अदी सबको जल्दी से निकालते थे, बोलते थे जल्दी से निकाल के पढ़ते थे पाँचों बहन भाई, और ऐसा लगता था उसमें लोग कहते थे गॉड ब्लेस यू सिस्टर एग्नेस, आपके बच्चे तो बहुत ही काबिल है, बहुत से लोग तो इंडेक्स देखते रहते हैं मगर ये निमाया मीका और सपनिया ऐसे निकालते हैं। खुदा आपको बरकत दे बेटा, अरे खुदा बरकत कैसे दे, चर्च में घर में मीटिंग्स में कन्वेंशन में फास्टिंग में सबसे आगे रहने वाला लार्जेस्ट फैमिली में, अगर हम हमारी जिंदगी खुदा के साथ देखते हैं। मुझे एक लड़का मिल गया सेंट्रल सेक्रेटरी के बस स्टॉप पे, दफ्तर के बस स्टॉप पे रात को 10:40 पे, और मुझे यीशु मसीह के बारे में प्रीच करने लगा, तो मेरा एक पुराना परिसीपन जाग उठा, ये मुझे क्या बता रहे हैं ना, आपका नाम मेरा रवि शर्मा, मैंने शर्मा तो पंडित होते हैं आप कैसे यीशु, करा 3 साल पहले मैंने प्रभु को अपने जीवन के बारे में सुसाइड करने जा रहा था, प्रभु होता है एंड ही स्टार्ट शेयरिंग द लव ऑफ जीसस टू मी, मेरे दिल में एक घमंड झूठा घमंड होता ना फरीसी का, मैंने कहा ये मुझे क्या बता रहा, तो खानदानी कृष्ण ने 3 साल पहले आया हुआ प्रभु मृत्यु ये मुझे क्या बता रहा, मैंने कहा हमारे घर में बहुत दुआ बंदी है, हमारे घर में बहुत से पास्टर्स आते हैं, बहुत से पास्टर्स के नाम लेने लगा,
मेथोडिस्ट के लिए और CNI के और पेंटिकॉस्टल के लिए और रोमन कैथलिक्स के लिए सल्वेशन आर्मी के सबके नाम गिराने लगा। वो सुनता रहा, उसके बाद पता नहीं क्या खुदा मेरे जीवन को बचाना चाहता था। बात करने के बाद उसने एक दिन का उसने मुझसे कहा, डिड यू एवर रेड हिब्रू 9:27? इब्रानी 9:27 पढ़ा आपने क्या? पढ़ते तो थे मगर हम ऐसे ही एक ऐसे ही और रिचुअल रवैया था। मैंने कहा पढ़ा तो है मगर स्पेसिफिक 9:27 में क्या लिखा मुझे नहीं मालूम। खैर उसमें लिखा इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन वांट्स टू डाई एंड आफ्टर दिस सचिन हर एक मनुष्य के जो स्मृति पर आए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है, फिक्स है, कोई इसको टाल नहीं सकता। मुझसे उसने कहा आप कह रहे हैं हम बहुत दुआ बनने वाले, आपके घर में बहुत पॉसिबल लोग आते हैं, ब्रदर कैन वी हैव कंफर्मेशन? उसने मुझे एकदम ऐसे आते हुए कहा भाई आपके पास ये कंफर्मेशन है, एश्योरेंस है, कितना ना खासा अगर आज की रात अगर आप बुला ली जाएँ तो क्या खुदा ने आपका दोनों हाथों से धड़कन करेगा सर, कहेगा आपका नाम जीवन की किताब में पाया जाएगा। अब मैं सेल्स की नौकरी करता था, झूठ फरे पैसे के लिए मैं कुछ भी करूँ, छुपा हो जीवन चर्च में बहुत अच्छा, पड़ोस में बहुत अच्छा, लोगों के बीच में एक अच्छे खानदानी मसीह खौफ ज़्यादा फैमिली के रूप में जानने वाले, मगर छुपा हुआ जीवन है। मगर उस रात को जब उस आदमी ने खुदा के रूप में उससे मुझसे बातचीत करी, अगर आज की रात मर जाएंगे तो कहाँ जाओगे, मेरा गला चौक हो गया, झूठे वॉचर्स, झूठ फरेब, गंदी ब्लू फिल्म में देखना, चुप चुप के सब चीज़ें जो जवान करते थे मैं करता था। अब इससे पीछे छोड़ा कर अपना एड्रेस देखे भाग के आ गया। रात को 3:30 जनकपुरी में भैया के घर के साथ ही मारा घर था, सो रहा हूँ, रात को 3:30 की फिल्म देखा है, मेरा बड़ा भाई रोज सो रहा हूँ गलत दोस्त मालूम है, और फिर उससे कह रहा हर शुद्ध दुआ कर, मैं दुआ करने में माहिर था, गुड संडे अटेंड करना, घर में कोई ओपनिंग प्रेयर करना, बड़ा की दुआ करना, वचन के लिए दुआ करना, तो हम सीखी सिखाए लच्छेदार लैंग्वेज की अच्छी दुआ कर लिया करते लोगों सीख सीख के इसके शब्द अच्छे इसके शब्द अच्छे। मगर उस दिन जब खुदा के रू ने मुझसे कहा कि दुआ कर, मैं पूरा शेक होने लगा, शायद मेरा जबान लड़खड़ाने लगी, मैं कांपने लगा, दिस इज़ द वेरी होली एनकाउंटर विद गॉड, मैंने कभी तक ऐसा महसूस नहीं किया था। आप विश्वास करेंगे मेरी जबान नहीं खुल रही थी और सडनली कोई मुझसे कह रहा था कुछ प्रार्थना कर, जब खुदा ने मुझसे कहा खुदा की रू ने प्रार्थना कर, मेरे पास शब्द नहीं थे, जबकि मैं शब्दों को चुरा कर लोगों की एक अच्छी दुआ करने में माहिर था, चार लोग कहते थे बहुत अच्छी दुआ करेंगे, मगर उस दिन मेरा मुँह खुला और मेरे मुँह से एक ही दुआ निकल रही थी, यीशु मसीह मेरे गुनाहों को, यीशु मेरे गुनाहों को माफ़ कर। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे 27 साल का जीवन, छुपा हुआ जीवन, परमेश्वर ने बचपन से लेकर जब तक मेरे होश संभाला एक एक जीवन को मेरे बायोस्कोप की तरह चलाया, जिससे कहीं दांतों के द्वारा तो मेरे पास आएगा। बहुत रोया, बहुत रोया, मुझे नहीं मालूम मैं रोता तक नहीं था, मेरी माँ के साथ बनारस स्क्वायर या खान मार्केट या पहाड़ देश में कहीं ग्रेवयार्ड पे जाना तो मैं मम्मी से कहता था ये लो भैया फूल हार कैंडल्स लो, मैं वो चाय की दुकान पर मिलूँगा मट्टी वाली की दुकान पर, वहाँ सब रो रहे होंगे, मुझसे रोना नहीं चाहता। मगर उस रात मैं तब रोया हूँ कि खुदा की तरह बुलाया, और वो भी आग में लिखा जब भविष्य का रू आएगा तो तुम्हें आए भर भर के प्रार्थना करना सिखाए, और उस समय मेरी से प्रार्थना के निकली यीशु मसीह मेरे घर आना, मेरे घर आना। एंड दिस वॉज अ सोल लाइव एक्सपीरियंस फॉर मी, ऐसा लगता है कल की बातें हैं कि खुदा मन ने अगर वो दिन नहीं आया होता, एक ब्राह्मण आदमी को मेरे घर में इस्तेमाल किया, बहुत से पादरियों के आने के बावजूद परमेश्वर ने एक ब्राह्मण आदमी को इस्तेमाल किया, एक मौलवी का बेटा अयूब खान आके हमारे घर पर चारपुरी पूरी रात फोन नाइट करेंगे, एक सरदार अटवाल सिंह गरंती का बेटा आकर उसने बाइबल पढ़ाई मुझे, और एक मसीह परिवार का आधा होने के बावजूद मैं पाया हुआ था, मेरी जिंदगी का एक खुदा नहीं था, उसकी महिमा उसका जला नहीं था, नाम मात्र के बहुत अच्छे प्रश्न थे, और उस रात मेरी आँखें खुली और खुदा ने एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम मेरे अंदर किया, वो गाली कटने वाली जबान, कॉलेज में करते जोक सुनाने वाली जबान आज परमेश्वर को अच्छा लगा था। वहाँ के जो ब्लू फिल्में देख देख के गंदगी की सारी सीमाएं लांग चुके थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तू किसी औरत को बुरी नज़र से देखता भी है तो उसके साथ गुनाह कर चुका। आपको खुदा का कलाम हमारे हमारे धन्य जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, शरीर में आपने कुछ करा नहीं करा, आपके अंदर स्पिरिट में गंदगी डिफाइलमेंट आ गया, यू गॉन, आप गए, आपको किसी को छुरी से मारने की जरूरत नहीं है, कत्ल करने की जरूरत नहीं है, खुदा ने कहा जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं हो सकता। मैं आपके बाद पूरी कमीने लेने के बावजूद भी किसी तरीके की नफरत और ना तफाकियाँ और ना माफ़ी की आपदा ढूंढते रहते हैं, मगर सचमुच एक ऐसी जगह है जो मुझे हम सबों को आना जैसे पास उससे तो कह रहे थे कि हम सबों का एक टाइम नियुक्त करें, लेकिन हर एक चीज़ को सर्वोदेश में लिखा हर चीज़ का वक्त है, ज़िंदगी का वक्त है, वक्त का भी वक्त है, और ये वक्त शायद मैं समझता हूँ कि
उम्र के हमारे एक्सपेक्टेशन हमारे ओपिनियन के मुताबिक उन्हें और जीना चाहिए था, और उम्र थी, अभी तो नहीं, अभी तो ऐसा नहीं था, मम्मी भी हैं और सारे लोग हैं एज, क्यों ऐसा हुआ? अगर मैं समझता हूँ कि खुदा ने हम सब, कोई 28 में जा रहा, कोई 80 में जा रहा, कोई 58 में जा रहा, मगर हम सब में जा रहे हैं, ये खुदा की सॉवरेंटी है। मगर हमारी फिनिशिंग अगर ठीक नहीं हुई, हमारी फिनिशिंग ठीक नहीं, हमारी ओपनिंग कैसी भी रही हो, कुछ भी किया हो, मगर अगर हमारी फिनिशिंग खुदा के साथ नहीं हुई तो हमारा इटर्निटी एक ऐसी जगह होगी जहाँ मैं आप सोच के नहीं सकते। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपाय को ना भूलना, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरे गुनाह को क्षमा करता है। सर आपसे गलतियाँ होती और भविष्य चाहता है कि, और सुबह उठा मैंने कहा ये क्या हो रहा मेरे साथ, मेरी मम्मी 7:30 तक जब 2-3 बार चाय नहीं दे रही, मैं ऑफिस के लिए उठता नहीं था। आप विश्वास करो कि किसी ने मुझे 5 बजे फिर उठाया, 2 घंटे के रोने के बाद, सोने के बाद, पता नहीं रोते रोते कब सो गया मुझे नहीं मालूम। फिर 5:30 किसी ने मुझे उठाया, कोई वॉशरूम नहीं, कोई ब्रश नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मुझसे कह रहा अल्टर पे जा बाइबल उठा, और एक रूटीन के मुताबिक जो रोज़ सुबह शाम बाइबल करना, पढ़ना, खानदानी दुआ करना, मगर उस दिन खुदा ने कहा उठा, मैंने कहा खुदा मेरे साथ क्या हुआ तो मुझे बता। और पहली बार खुदा ने मुझे अपना कलाम दिया, पहला यमुना एक बाप उसकी 8 दिनों आकर सीखा है, यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया तो झूठ बोलते हैं, हमें सच्चाई नहीं, मगर यदि आज हम अपने गुनाहों को मान लें तो यीशु का लहू तमाम पापों से हमें धोने में विश्वास से दिया जाता है। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे को देखते हैं, एक अजीज़ों के रूप में, चाची जानसी की, बुआ जानसी की, आंटी जानसी कह सकते हैं, अगर एक सच्ची मोहब्बत यह है कि खुदा जब भी बुलाए या खुदा इस बीच में आ जाए, हम सब लोग खानदान के रूप में उसके हैकल में पाए, नहीं तो सब कुछ ये बाहर की दुनियावी मोहब्बत बेकार है। सच्ची मोहब्बत यह है ना, उस अमीर आदमी को वहाँ पर पता लग रहा मेरा मिशन क्या है, और वो लाजर से कह रहा मैं तड़पने तो कोई बात नहीं, ठीक है नहीं जा सकता ना मैं यहाँ से बाहर, एक काम कर तू लाजर को भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं जो मेरी तरह जीवन बिता रहे हैं, जिनकी जिंदगी का एम मेन खुदा नहीं है। वहां से नर्क की आग में से प्रचार करने का जज्बा उसमें उठ रहा है। आपको खुदा दिन पर दिन, लेकिन हम बिटने गए यहोवा की महाकरुणा का फल, क्योंकि प्रति भोर उसकी दया नहीं हो जाती। 6 अक्टूबर को नहीं, 7 अक्टूबर में ये आपके साथ से करा रहे हैं। इसकी वजह ये नहीं कि मेरा आपका खान पान अच्छा है, हमारी डाइट अच्छी है, हमने बहुत अच्छा खाया ना, सॉरी प्योरली द ग्रेस ऑफ गॉड ही आर माइन, खुदन की फसल तो मेरी आपके साथ से चल रही है, और कोई भले कामों के तक यह नहीं कर सकता मैं। इसलिए खुदन चाहता है कि आज बार क्रिस्टोफर को जब, उनके लिए हमें कुछ नहीं कर सकते मैं, हम हिंदू लोगों की तरह ये नहीं कर सकते इनकी आत्मा को शांति दे, वी हैव नो पावर एट ऑल। अगर मैं गुनाहगार, मैं पादरी के रूप में भी आपके सामने प्रचार करता हुआ और सिर्फ चला भी जाऊं, और अगर मेरी जिंदगी खुदा के साथ ठीक नहीं है, वहां कोई सिफारिश रिकमेंडेशन नहीं चाहते। जिस दिन एक आदमी को पता लग जाता ना, ना मेरी वाइफ इसलिए बच जाएगी कि वो पादरी की वाइफ है, ना मेरे बच्चे इसलिए बच जाएंगे क्योंकि वो पादरी की वाइफ, वो पादरी के बच्चे हैं, नो सॉरी, वहां कोई स्टाफ नहीं, कोई खानदानी और रिकमेंडेशन नहीं काम करते, वहां तो सिर्फ एक ही काम करें, सुनने मेरे कलाम के साथ, मेरे वचन के साथ। हमेशा जब है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम, एंड टू नो द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग, जीते परमेश्वर को जानना ही समझ, सब सही माने में तब समझ आती है। ऐसे के लिए सारी सीमाएं लांघने वाले शख्स, आज मुझे मालूम है कि खुदा के साथ जीवन बिताने की वो दौलत, वो खुशी, वो इत्मीनान कितनी बड़ी है, उसको एलन मस्क और अंबानी अंडानी कोई भी उससे कंपेरिजन नहीं कर सकता। हालेलुया, जो दौलत खुदन की हजूरी में है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। वो शाम को मीटिंग में आ रहा है, कुछ पता नहीं मुझे, अगर कैब से आया हूँ यहाँ से भी जनपुरी जाना मीटिंग में, कुछ पता नहीं उसे मीटिंग, मगर इतनी बात की एश्योरेंस है खुदन के लहू की, इतनी सामर्थ्य विश्वास है, तौबा पे विश्वास है कि खुदावन अगर आज के रात में मर भी गया तो खुदा के पास आऊंगा। ये एश्योरेंस परमेश्वर हर एक विश्वासी को देना चाहता है। जब मेरा आप खुदन से बातचीत करते हैं तो खुदा का रूह हमसे बातचीत करता अपने कलाम के द्वारा, तब मुझे और आपको इस आईने में अपनी ज़िंदगी को देखने की जरूरत है कि कैसी मेरी ज़िंदगी के खुदा के तरीके से हैं, और अगर खुदा का रूह हमें बेचैनी हमारे कॉन्शियस में, हमारी ज़मीर में बेचैनी पैदा करे, यू हैव टू मेक आवर रिलेशनशिप राइट विद गॉड, उसी समय हमें खुदा से डील करना है। कुछ पता नहीं आँखें बंद हो जाए, जीते जी में आप खुदन से मुलाकात कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, 11th आवर्स में भी कर सकते हैं, बट यू कैनॉट प्ले विद द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा के फसल से नहीं कर सकते, ठीक है चल रहा है, कल देखेंगे, कल नहीं,
लेकिन आज जब तू खुदा की आवाज़ को सुन तो अपने दिल को कठोर न कर, क्योंकि आज ही उद्धार का दिन हमारा है, आज ही माफी का दिन, आज ही नजात का दिन है। दिस इज द डे व्हिच द लॉर्ड हैज मेड, वी हैव टू बी रिजॉइस इन हिज वॉरिंग, इन हिज विल, इन हिज गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड सो स्ट्रॉन्गली। हमारा खुदावन वही खुदावन है जिसने कब्रिस्तान में लाजर की कब्र में भी कहा मौत और पुनरुत्थान जीवन में ही हूँ। हालेलुया। और सचमुच आज मरे हुए लोगों के बीच में खुदा का जिंदा कलाम, उसकी जिंदगी उपस्थिति उससे आपसे बातचीत कर रही है। वी कैन डू एनीथिंग बट फॉर द ब्रदर क्रिस्टोफर, बट वी कैन डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ। मेरे को आपको अपनी लाइफ एक मैसेज लेना है, तो खुदा के कलाम में से पढ़वाना चाहता हूँ। दुआओं को हम पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, हाँ जी, कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो अगर मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वह मुझ में पर ईमान लाता है वह अब तक कभी ना मरेगा। अभी अब जी खुदा तेरा सुकून रहा है और नीचे का दायमी बाजू है, खुदावन मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत है, किसकी दहशत हो, खुदावन मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे उसकी हैबत है, रातबाज अब तक जिंदा रहते हैं, खुदावन उनकी खबरदारी करता है, वह अपने दाहिने हाथ से उनको ढके रहेगा और अपने बाजू से उनकी हिमायत करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खेमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। आमीन। आमीन। तो धन्यवाद इन कलाम के लिए, खुदा की कलाम से लिखी हुई पुराने गीत की किताब में से पढ़ रहा हूँ आपको। लेकिन अनिका, पृथ्वी का डेरा सरी का घर जब गिराया जाएगा तब हमें अब्दी मकान मिलेगा। अगर मेरा भी टेम्प्रेरी घर को संभालने बनाने संवारने में इतने वेस्टर्न टेकिंग अबाउट द एक्सटेंडेड हाउस, उस हमेशा के घर के लिए चिंता नहीं, और वही मेरा और आपका अपनी मकान। अगर दुनियावी इन्फ्लुएंस, दुनियावी शोर गुल इतना ज़्यादा मेरे और आपके दिमागों में, हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बलवती हम पे हो रही है कि हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे जीने का मकसद क्या है। व्हाई लॉर्ड शेड हिज प्रेशियस ब्लड फॉर अस, यीशु मसीह ने खून देकर क्यों खरीदा, कि हम संसार के सदृश्य ना बने, संसार के तरीके से जीते हुए अपनी आँखें ना बंद करें, क्योंकि संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम रखना खुदा उनसे बगावत करना है, उससे दुश्मनी लेना है, उससे बैर करना है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि भविष्य खुदा ने कहा कि जो हमारा खेमे का, खेमे मतलब शेल्टर है, टेंट हटा लिया जाता है ना इंग्लैंड में, मेरा आपको कुछ पता नहीं, मगर मेरा आप यहाँ पर रहते हुए अपनी हमेशा की इंटरनल बुकिंग वहाँ कराने के लिए बुलाए गए हैं। और इसलिए जब खुदा मुझसे आपसे बातचीत करे उस समय मुझे और आपको देर नहीं करना, बस बस कि बहुत बेहतर तरीके से बहुत सी चीज़ें हम पढ़ी जा सकते हैं, मगर क्योंकि चीज़ें इस तरीके से कंसाइज कर दी गई है, और खुदा करूँ जिस बातों को हदायत कर रहा हूँ उसके लिए दुआ कर रहा हूँ। और ऐसा लिखा है, हे खुदावन पुश दर पुश हमारी पना तू ही रहा, फैसला उसने कि उससे पहले के पहाड़ पैदा हुए और ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया, अजल अजल से अब तक तू ही खुदा है, कि हज़ार वर्ष तेरे आगे ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया, और जैसे एक पहर रात तूने यूं ले जाता है जैसे सैलाब से, वे गोया नींद है, वे फजर की उस घास की मानिंद है जो उगी हो, वे सुबह को लहलाती है और तरोताज़ा होती है और शाम को काटी जाती है और सूख जाती है, और हमारी उम्र के दिन हमें गिनना सिखा, ऐसे कि हम दाना दिल हासिल करें, अपने काम अपने बंदों पर अपनी शौकत अपने फर्जंदों को दिखला, और खुदावन हमारे खुदा की नेमत हम पर हो और हमारे हाथों का काम हम पर कायम हो। हाँ, तू हमारे हाथों के कामों को कायम कर। हालेलुया। हमारे हाथों के कामों को, यहाँ के कामों को, ये हाथ जो ने लिखा, मैं तेरे कामों पर आशीष दूँ, और वहाँ लिखा 14:13 में प्रकाशित वाक्य में लिखा, धन्य वो मुर्दे जो प्रभु में मरते, जो खुदा में सौंपते हैं। वैसे तो बहुत से लोग मर रहे हैं, सैकड़ों में लोग जा रहे हैं, कितने जानवर भी मर रहे हैं, उतने आदमी मर रहे हैं, और खुदा कलाम कहता है धन्य वो हैं, मुबारक वो हैं जो खुदा में मरते हैं। वहाँ लिखा खुदा में मरते हैं, ऐसे नहीं लिखा जो मरते, धन्य जो मरते, नहीं नहीं सॉरी, वहाँ लिखा धन्य वो हैं जो खुदा में मरते, खुदा में मरते मतलब
खुदा की मर्जी में जीते हुए, खुदा के खौफ में जीते हुए, खुदा के मकसद को अपने जीवन में पूरा करते हुए मरते हैं, वो अब से विश्राम पाएंगे, वो सच्चे अब्दि आराम में दाखिल होंगे, जहाँ मौत नहीं होगी, जहाँ आंसू नहीं होगा, जस्टिस क्या नहीं होंगे। ये शरीर में रहते हुए कुछ ना कुछ बीमारियाँ, कलेश कुछ ना कुछ लगा रहेगा जब तक शरीर में है। इसका मिट्टी में मिलना, पानी होना ज़रूरी है, मगर इस पानी शरीर के चक्कर में अगर हमने उस अब्दि जिस्म को पाने की उस सच्ची भूख से हम दूर हो गए, महरूम हो गए, तो सब चीज़ को इसने भविष्य चाहता है कि मैं रहा हूँ। भाई क्रिस्टोफर के लिए मैंने बोला ना, मैं आपके आपको पैम्पर नहीं करना चाह रहा, मैं उससे मिला भी नहीं कभी, ठीक है, उससे कभी मिला भी नहीं, और उनके बारे में पूरा एक शब्द कहने की औकात भी नहीं रखता। खुदा वन जिस दिन मेरे लॉक बंद होता, मेरा लॉक का रजिस्टर बंद हो गया, खुदा के पास पहुँच जाता, और वहाँ वो किसी का पक्षपात नहीं, वहाँ कोई ड्राइव नहीं चलती, वहाँ तो सिर्फ खुदा उन न्याय करेगा। और उसको देखना मनुष्य से नहीं, देखा आदमी तो भारी रूप देखता है, मगर यहोवा की आँखें मन पे लगे रहती है। मेरा भारी रूप, मेरा भारी चाल चलन हमारे खानदान का बहुत अच्छा था, चालू कहते थे अरे तो, अरे बहुत अच्छा था, मगर अंदर सब कुछ खराब था, अंदर कुछ भी बाकी नहीं, खुदा के लिए खौफ नहीं था, चर्च में कुछ, घर में कुछ, रोड पर कुछ, सड़क पर कुछ। अगर खुदा का शुक्र हो कि खुदावन ने एक ब्राह्मण लड़की के द्वारा मेरे को आईना दिखाया, कलाम का सिर्फ 3 साल पहले आया था, और मगर भविष्य का धन्यवाद हो कि जिन्हें वो प्रेम करता उन्हें कोड़े भी लगाता, उन्हें कोड़े भी लगा, जिन्हें खुद बनाता उन्हें कोड़े भी लगाता, उनकी तंबी करता, उनकी ताड़ना करता। और लिखा अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की औलाद, ऐसा लिखा है, मतलब उर्दू में लिखे तो हराम की औलाद हो, मतलब गॉड इज़ नॉट डीलिंग विद यू विथ समथिंग, लॉर्ड इज डीलिंग विद योर लाइफ। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी एरियाज में खुदावन आपको साथ करेक्शन कर रहा है, आपको तंबी कर रहा है, आपको सजेशन दे रहा है, आपके अंदर रिप्रूव कर रहा है, जीवन दायी डांट लिखा, जीवन दायी डांट को कान लगा के सुनना, क्योंकि ये तुझे जीवन के मार्ग पर बनाए रखेगा। हमेशा जब डांटे तो बुरा मत मानना, अपनी जगह मत छोड़। समटाइम खुदा मिस्टर आपसे जब अकेले में बातचीत करता है तो मुझे और आपको अपनी दूसरी चीज़ों पर तकिया करने की जरूरत नहीं है। जैसे दाऊद ने कहा मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ, तेरे रूह से भाग के कहाँ जाऊँ, स्वर्ग में चढ़ूँ तो वहाँ भी तू है, अधोलोक में अपना बिछौना बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है, तू मेरे उठना बैठना जानता है, मेरे ख्यालों को दूर से पहचान लेता है। आज मेरा आप एक खानदान की सूरत है, मेरी दिल इच्छा यह है, खुदा की दिल इच्छा यह है, भैया का यूएस से आ जाना और ये सब चीज़ों के इस तरीके से हो जाना सडनली, ये सब खुदा की तरीके से सच टाइम नहीं था। दिस टाइम इज ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड, दिस इज फिक्स्ड बाय गॉड, और खुदा कुछ अद्भुत तरीके से मिस्टर राव से, मतलब क्या नाम आपका, राज, सब लोग उससे अजीज हैं, उससे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, मगर मेरी दिल इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे और आपका मिलना इस कब्रिस्तान में के बीच में, मुर्दों के बीच में भी खुदावन जिंदा कलाम उसकी ज़िंदगी की बात है मुझसे आपसे बातचीत कर रही हूँ, ताकि मैं आप आज यहाँ उसके गेट से बाहर निकलने से पहले उस फाटक से प्रवेश करें जो अनंत जीवन को जाता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना, यहाँ से बढ़िया से निकलने के बाद कई बार हमें यहाँ बड़ा ऐसा लगता है यार क्या चीज़ है, बस यही ज़िंदगी है, सब कुछ यही खबर, यही सी चीज़ों के लिए भाग दौड़, ये मशक्कत, ये धमा चौकड़ी है, आज तो अब इसी चीज़ के लिए थी, मगर बाहर निकलते ही जब संसार का प्रेशर और शरीर आपका फिर से आपसे बातचीत करता है तो आप रूह की आवाज़ को दरकिनार करते हैं, मगर लिखा जितने उसके रूह की द्वारा चलाए चलते हैं वही इसके बेटे बेटियाँ। राज खुदा का रूह उससे आपसे बातचीत कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं क्रिमिनेशन तो हो चुका है, मगर परमेश्वर के अनुसार इस रात को हम रात के हवाले कर, क्योंकि आज हम थोड़े दिनों बाद हम भी इस रात का हिस्सा होंगे, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एक दूसरे से शारीरिक से जुदा हो मगर वहाँ मेरे सब ये सब तो बड़ी बात यहाँ क्या बनाया, क्या लपेटा, क्या समेटा, क्या संवारा, कुछ से कुछ पता नहीं, अगर मेरे लाख तो जीवन की किताब में नहीं काम नहीं पाया, यहाँ का आधार कार्ड बने ना बने वहाँ का आधार कार्ड बने, धन्य हो जिसने यहो को अपना आधार माना है, धन्य है वो जिसने यहो को अपना आधार माना है, अगर लानत उस आदमी को जिसका मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है, वो लोन छाई भूमि की तरह जमीन पर बैठा रहेगा और भलाई को ना देखेगा, मगर धन्य वो है जिसने यहो को अपना आधार माना है, जो उसके कायदों पर चलता है, तो दिल के खौफ पकने वालों के लिए खुदा वाला है। इसलिए भाई दोस्तों को हम सब एक खानदानी के उसी गांधी से आ रहे हैं, तो वह चाह रहे हैं कि मैं सही आ रहा हूँ, क्योंकि जो मसीह यीशु में है
उन पर दंड दिया गया, उन पर हलाकत नहीं, उन पर पनिशमेंट नहीं होगा, मगर जो खुदा के खिलाफ, खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहे हैं, कि मेरा नाम हैरिसन या पास्टर हैरिसन हो जाना मुझे कभी नहीं देगा, इसको ज़्यादा दिया गया इससे ज़्यादा हिसाब लेगा। सर वो गैर कौमों के लोग जुम्मा जुम्मा कुछ दिन हुए हैं, सर वो एक सच्ची सच्चाई से खुदा के पास आए, अगर मेरी और आपकी आँखें तभी खुली हैं जब पोर्टल पर ही हमने बाजू देखी होगी, क्या हुआ मेरे शर्वा आई मैं कि हमारे बाप की दुआ मैं को बॉनविटा की तरह दिलाई गई, उसके बावजूद भी कि बाप की तरह उसको इज्जत देना, हालांकि एक केवल लिखा अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत का, अगर तो मेरे मालिक हूँ तो मेरा खौफ का, दुनिया भी मालिकों से डरते डरते मेरी हड्डियाँ सूख जाती हैं, उस मालिकों के मालिक बॉस ऑफ बॉसेस उसके लिए वो इज्जत और खौफ खुदा मुझसे रहा, क्योंकि यही चीज़ काम करेगी, यही चीज़ काम करेगी जब मेरा खुदा के खौफ कराएंगे, तो इसलिए खुदा चाहता है कि आज मैं आप इस बातों को करने से पहले, देखिए बहुत लंबी वो चीज़ होती है, मगर अपने से चाहता है कि सब सब खुले हो जाए, अलार्म बहुत ज़्यादा है इसमें, और मैं चाहता हूँ कि इस समय हम खुदा की इस बात को ऐसा कुछ सब पढ़ेंगे लोगों के बाद, चलो आइए हम पढ़ने छुटके वचन में चलेंगे। रूहों के बाप हम उन सब के साथ जो ईमान में जिंदा रहें और इत्मीनान के साथ इंतकाल कर गए इस वक्त खुशी करते हैं, हम खूबसूरत यादगारी और जिंदा उम्मीदों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, पाक तालुकात के लिए जिनमें हम अनदेखे आलम के बंद हुए हैं हम तेरा शुक्र करते हैं, अपने अजीज और मुकद्दस मुर्दों के लिए जो गवाहों के बादल की तरह हमें घेरे हुए हैं और दूर दराज आसमान को हमारे दिलों में सुकूनत बनाते हैं हम तेरा शुक्र करते हैं, बख्श दे बख्श के हम इनके नमूने पर चलें जो अब वायदों के वारिस हैं हमारे खुदावन के मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। जो सवेरे कब्र होती थी बेटी को बेटी दी जाती है, मगर मैं समझता हूँ कि इस रात के लिए हम दुआ करेंगे, जब इस रात को हम रात की तरह से खुदा के हाथों में हैंड ओवर करते हैं, तो लिखा है कि मिट्टी सरी का ये पृथ्वी का डेरा सरी का घर ये बदन ना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से बने मिट्टी में ही मिल जाएगा, अगर जब खुदा में आएगा तब हमारे को एक नया जिस्म दिया जाएगा, एक ग्लोरियस बॉडी मिलेगी, एक रूहानी देह मिलेगी जो तेजू में है जो अनंत है, और खुदा चाहता है कि उसका हर एक बच्चा जो उसमें ईमान लाता है उस ग्लोरियस देह को पहन ले जिसके लिए मेरा बुलाया गया, चाहे शरीर का मन लगाना तो मौत है मगर आत्मा पर मन लगाना जीवन और साथ। ये लास्ट जो हम लोग करेंगे चाहता हूँ कि उसको रखवा देते थोड़ी सी मिट्टी ले लें हम सब लोग हाथों में, थोड़ा प्लीज पाल सब वही सब ले लें थोड़ी थोड़ी, और खुदन के खादिम होने के साथ खुदन के सीनियर खादिम के साथ हम लोग एक मानो घर आते हैं खुदा के कलाम के अनुसार, सब ले लीजिए आगे आ जाइए थोड़ा सा, ये लास्ट वक्त होगा क्योंकि कादर मुतलिक खुदा ने मुतफिक को की रूह को अपने पास बुला लिया है, इसलिए हम उसके जिस्म को मोहब्बत के साथ ज़मीन के सुपुर्द करते हैं उस मुबारक उम्मीद से कि जैसे उसने खाकी सूरत इख्तियार की वैसे ही आसमानी सूरत भी रखेगा, क्योंकि मुतफिक की रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया वापस चली गई है, क्योंकि खुदा कादर मुतलिक ने रूह को इस दुनिया से बुला लिया है, इसलिए हम उसके जिस्म को आखिरी दिन की क़यामत और आने वाली
दुनिया की जिंदगी के इंतजार में जमीन के सुपुर्द करते हैं, मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक और राग को राग, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जो कि दुनिया के इंसाफ करने को अपनी शौकत अजीम में दोबारा आएगा और उसके आने पर जमीन और समुंदर अपने मुर्दों को दे डालेंगे और जो मसीह में सोते हैं उनके फानी जिस्म तब्दील किए जाएंगे और उसके जलाली बदन की मानिंद बन जाएंगे, इसी कुदरत के मुताबिक जिससे वे सब चीज़ें अपने ताबे कर लेता है। मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी कि मुझसे ये कहती थी, मुबारक है वे जो खुदावंद में होके मरते हैं। रूह कहती है कि हाँ, क्योंकि वे अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। हे खुदावंद हम पर रहम कर, हे मसीह हम पर रहम कर, हे खुदावंद हम पर रहम कर। आइए हम सब लोग मिट्टी को मिट्टी, सब डाल दीजिए खुदावंद की दुआ, हम सब एक साथ करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पे पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हम तो आजमाइश न पड़ने दे, और गुबराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अच्छा, तो अपने हाथों को सर की तरफ उठाएं और सच कलाम बरकत के साथ इस खान के साथ हम अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराफत अब से लेकर हमेशा तक तमाम दुनिया के मसीह ईमानदारों और खास करके एक रंगीन परिवार के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। मैं नानी को वहाँ ले जा रहा हूँ। हाँ ले जा, ले जा बेटा।